this one story that we have today about bionics which is prosthetic limbs this story really caught my attention there's a video that we'll run for you to see and show you what they do but anas a graduate of zabist forbes 30 under 30 in asia is working on creating prosthetic limbs for people who are amputees and the work they're doing is phenomenal because they're doing it at a fraction of the price compared to the rest of the world. Check out this episode of Digitales, you will learn a lot about AI, about bionics, about humans transforming into robots, and how the lives of people who are unfortunately living with without a limb, how their lives are being transformed. Anas Neaz, how are you today? I'm good. Great. गुड टू हैव यू आई केम अक्रॉस द स्टोरी मेरे बड़े करीबी दोस्त अबाब डॉक्टर अबाब अली ने मुझे भेजा और कहा कि यू हैव टू मीट दिस गाय फिर उसने मुझे वो बताया कि वॉट यू डू एंड आई वॉज फैसिनेटेड कि यार पाकिस्तान में ऐसा काम हो रहा है प्रोस्थेटिक लिम्स का ठीक है देन आई डिड समीसर्च ऑन यू यू आर अ जेबस्ट स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ मेकोट्रॉनिक्स फ्राम जेबस्ट जस्ट अ फ्यू ईयर्स हो गो बल्कि यो फॉर्ब्स में एशिया में थर्टी अंडर थर्टी And you're in the business of making prosthetic limbs and really matlab, changing the lives of the people who are suffering. so walk me through let's let's start from the beginning. student is of work so uh, the best part is is uh, before the Zabis as well, uh, so I was fascinated by Marvels. so uh, I used to watch the series and everything, so it was always a dream बिकॉज मैन बनना था आयरन मैन बनाना था बनने के लिए भी यू हैव टू डू समझे बिजनेस भी करना था एंड सोशल वर्क भी करना था डिफिकल्ट आप सोशल वर्क भी करें बिजनेस भी करें एंड उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए सो दैट वॉज समथिंग इन माई माइंड बिफोर द यूनिवर्सिटी ठीक है देन आई डिट समर्च Uh, और मुझे पता चला कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं दे दे हैव सम टेक्निकल बैकग्राउंड सो आई थॉट कि यार कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो कि मुझे सबका फ्लेवर दे दे सो द मेक्राटॉनिक्स वॉज वन ऑफ द इंजीनियरिंग जिसके अंदर रोबोटिक्स में सब आप पढ़ लेते हैं सो द इंटेंशन वॉज नॉट टू डू द हार्ड कोर टेक्नोलॉजी बट टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी सेल्फ तो इसका मतलब मैं ये जो टेकअवे ले रहा हूँ कि पेरेंट्स शुड बी हैप्पी कि मार्वल सीरीज बच्चों को दिखाएं शायद वो इंस्पायर होके मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर बन जाए इंजीनियर बन जाए और मे बी दे कैन फाइंड आउट देर ओन वेज कि हमने क्या करना है so mechatronics heka matlab it sounds like a combination of three four words yeah exactly so it's like um, mecha me mechanical. mechanical electronics and then software engineering so it's, it's, the, it's basically a robotics itself. so it's all robotics so it's all robotics it's how steel electricity and, and some code come together. come together to make something live and

Uh, जैसे कहते हैं ना ओ लेवल या इंटर मेट्रिक में वो क्या कहता थे साइंसेस में अच्छे ग्रेड्स चाहिए होते हैं फिजिक्स में अच्छे ग्रेड्स चाहिए होते हैं मतलब इसकी प्रेपरेशन कैसे करते हैं की? मेरी जो uh, अपनी बेसिक एजुकेशन है वो वाले पूरे प्रोसेस से सो इट वॉज लाइक रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू जेबिस में वो भी मैकेट्रॉनिक्स करना वो बहुत चैलेंजिंग था बट अगेन इट्स 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 अबाउट योर पैशन सो हमारे मुझे याद है मेरे बैच में ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव स्टूडेंट थे इन द फर्स्ट ईयर बट बिकॉज इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोग्राम तो हम सिर्फ आर्ट ग्रेजुएट हो सके बाकी सब लोग जेबिस आर्ट ग्रेजुएट हो सके जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो ओ लेवल ए लेवल्स उनका बैकग्राउंड था दे है ब्रिलियंट माइंड स्ट्रेट एस लेकर आते थे लेकिन देवर नॉट एबल टू कोप अपजुकेशन जैबिस में थोड़ा सा डिफरेंट था प्लस मैक्राट्रॉनिक्स में सबसे मुश्किल चीज ये थी कि यू हैव टू स्विच योर हैल पढ़ रहे हैं अचानक से आपको कहते हैं कि नेक्स्ट क्लास प्रोग्रामिंग की है या इलेक्ट्रॉनिक्स की है सो so, अगर मैकेनिक्स uh, uh, के अंदर आई इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है और आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है तो आप जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में जाते हैं तो वो जो आई है वो कन्वर्ट हो जाता है वो करंट में कन्वर्ट हो जाता है सो सो एंड समटाइम्स यू हैव टू टू गिव पेपर्स इन अ डे तो आपको याद करना पड़ता है कि अच्छा इसमें जो आई है वो कैसे आइडेंटिफाई करूं इसमें जो आई है वो कैसे आइडेंटिफाई करूं तो इट्स इट्स इट इट गिवस यू अ लॉर ऑफ लाइक माइंड ट्रेनिंग एज वेल कि hmm. आप किस तरह से चीजें चेंज कर सकते हैं